मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय पासवान जी, हमारे महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री थावरचंद जी गहलोत, डॉक्टर विजय सोनकर जी शास्त्री और हमारे अभी अभी राज्यसभा में जो निर्वाचित हुए हैं ऐसे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जी जटिया और हमारे अखिल भारतीय महासचिव श्री जेपी नड्डा जी और हमारे स्पोक्स पर्सन श्री सुधांशु त्रिवेदी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं इस देश की एक मानी जानी शख्सियत और जिसे मैं कह सकता हूँ केवल दलित आइडियोलॉग के रूप में उन्हें मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, बल्कि सचमुच भारत राष्ट्र को बनाने के लिए जैसा आइडियोलॉग होना चाहिए, जैसा एक दार्शनिक होना चाहिए, जैसा एक चिंतक होना चाहिए, उस रूप में मैं उदित राज जी को देखता हूँ। और आज से नहीं, बरसों से इनको मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। वैसे तो बराबर अखिल भारतीय स्तर पर इनका दौरा और इनके कार्यक्रम चलते रहे। हमारा कोई बहुत नज़दीक का इनका संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन विगत कुछ वर्षों में हम लोगों की भेंट हुई है और हम लोगों की आपस में बातचीत भी हुई है। लेकिन मैंने देखा चिंतन की गहराई उदित राज जी के अंदर है। चिंतन की गहराई भी हो फिर भी अहंकार न हो, मैं समझता हूं कि किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व की यह सबसे बड़ी विशेषता होती है। इनके अंदर मैंने अहंकार नहीं देखा है। और हमसे तो आवाज जा ही नहीं रही भाई, तो आ रही है। हमसे यदि कोई पूछे कि भारत को यदि सचमुच आप एक महान भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, तो कैसे भारत बनेगा, तो हमको जो जवाब देना होगा तो दूंगा। लेकिन सामान्य किसी व्यक्ति से यदि आप बात करिए, पढ़े लिखे व्यक्ति से, तो वह यही कहेगा कि भारत का जब तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक भारत एक सशक्त और स्वावलंबी भारत नहीं बन सकता है। लेकिन आपने देखा कि इस आजाद भारत में लंबे समय तक जिस कांग्रेस ने हुकूमत की, न तो भारत में सोशियो डेवलपमेंट हुआ और न तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, बल्कि सोशियो डिस्पैरिटी और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असमानता बढ़ी है। इसके लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है? सचमुच यदि हम भारत को सशक्त स्वावलंबी भारत यदि बनाना चाहते हैं तो समाज का जब तक एक भी वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा रहेगा अथवा आर्थिक और सामाजिक लाभों से वंचित रहेगा तब तक भारत को एक सशक्त भारत बनाने की हमारी कल्पना कभी साकार नहीं हो सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी की आज यह कोई विचारधारा पैदा हुई हो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दार्शनिक अवधारणा, जिस आइडियोलॉजी को लेकर इस देश में काम कर रही है, उस आइडियोलॉजी को देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, यह आइडियोलॉजी देते समय भी उन्होंने अंत्योदय की बात कही। अंत्योदय समाज की जो अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पहले उसका उदय होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की दार्शनिक अवधारणा देने वाले पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था। अंतिम सीढ़ी पर कौन बैठा हुआ है यह देशवासियों को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारत जैसे राष्ट्र को यदि हम सचमुच सशक्त और स्वावलंबी भारत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो जहां तक समाज की जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भारत की एक विशेषता है, भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में
सबसे श्रेष्ठ यदि कोई संस्कृति है तो वह केवल भारत की संस्कृति है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लोग यह कहेंगे कि यह भारत की संस्कृति इतनी श्रेष्ठ संस्कृति कैसे बन गई, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग अथवा किसी एक समूह के कारण ही भारत की संस्कृति इतनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति नहीं बन गई है, अथवा इतनी रिच कल्चर, इतनी समृद्धशाली संस्कृति नहीं बन गई है। मेरा जो अध्ययन है उस अध्ययन के आधार पर मैं कह सकता हूं भारत की संस्कृति को समृद्धशाली बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि है तो हमारे दलित समाज के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। यस, देश में, इस देश में आदि कवि यदि कोई कहलाया है, आदि कवि यदि कोई कहलाया है तो दलित समाज के ही रहने वाले महर्षि वाल्मीकि ही आदि कवि, आदि कवि कहलाने का उन्हें ही यह अधिकार प्राप्त हुआ है। कोई किसी जाति वर्ग का क्यों ना हो, कौन ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि के प्रति सम्मान नहीं रखता। वेदव्यास, जिन्होंने सारे महाभारत की रचना कर डाली, कौन थे? संतुकाराम, संत रविदास, वाराणसी के रहने वाले, जिस जनपद का मैं रहने वाला हूं, वाराणसी के संत रविदास, महाराजा काशी नरेश। काशी नरेश एक बार उनकी झोपड़ी में गए, उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि उनके पास कोई ऐसी भगवान राम की प्रतिमा है जो सिद्ध प्रतिमा है और सोने की है, बहुत छोटी सी प्रतिमा थी। पहले तो उन्होंने बुलवाया, संत रविदास ने कहा कि मैं अपनी झोपड़ी और अपने राम को छोड़कर नहीं जा सकता हूं। स्वयं काशी नरेश चलकर पहुंचे उस झोपड़ी में, संत रविदास की झोपड़ी में, और उन्होंने कहा कि आपको कितना पैसा चाहिए, आपकी जो यह सिद्ध प्रतिमा है भगवान की वह हमको दे दीजिए। तो फिर उन्होंने पूरी तरह से जब नकार दिया तो उन्होंने कहा कि आपको जितना सोना चाहिए, कहते कहते बढ़ाते बढ़ाते कीमत लगाते लगाते राजा काशी नरेश इस सीमा तक पहुंचे, आपकी पूरी झोपड़ी को मैं सोने से भर दूंगा लेकिन हमको केवल एक छोटी सी प्रतिमा दे दीजिए। संत रविदास ने कहा कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमारी जिसके प्रति आस्था है, हमें श्रद्धा है, वही हमें चाहिए, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। तो कोई यह समझता है कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को केवल धन चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं मानता। उसे धन भी चाहिए, उसे सम्मान भी चाहिए, केवल धन से काम नहीं चलेगा, उसे ज्ञान भी चाहिए, धन भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और साथ ही साथ आत्मा भी उसकी बड़ी होनी चाहिए। आत्मा के बारे में मैं लोगों को बतलाता हूं कि आत्मा, मान लीजिए आत्मा कोई एक छोटा सा कोई एक सर्किल हो, एक वृत्त हो, तो इस सर्किल, इस वृत्त के सर्कुमफेरेंस को, इसकी परिधि को बढ़ाते चले जाइए, स्वाभाविक है व्यक्ति का आनंद, व्यक्ति का सुख उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। और मैथमेटिक्स का मैं छात्र रहा हूं तो एक इक्वेशन भी लोगों को बतलाता हूं कि यदि मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, यानी इस आत्मा की परिधि यह सीधा समानुपाती होती है सुख की मात्रा के, आनंद की मात्रा के। यह किनके पास था? शायद आज लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। कैसे भारतीय जनता पार्टी, जो भारत को एक केवल एक महान राष्ट्र ही नहीं बनाना चाहती बल्कि भारत को हम विश्वगुरु के पद पर आसीन करना चाहते, हम कैसे इस यथार्थ को, इस सच्चाई को भूल सकते हैं? अछूत अछूत की बात कही जाती है। मैं आज इस उदित राज जी आज जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सारे देश को संदेश देना चाहता हूं, अछूत यह शब्द किसी राजनीतिक पार्टी के डिक्शनरी में हो सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में अछूत शब्द नहीं है। हमारे यहां कोई यह शब्द नहीं है। अब भीमसा, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद दिलाई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आप समझिए कि जो कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए कौन भूल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मदिन को 14 अप्रैल को
सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर सकती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को उनकी पार्टी एक उत्सव के रूप में और एक कार्यक्रम के रूप में मनाती है? बहनों भाइयों, बराबर इस हिंदुस्तान के दलित समाज को लोगों ने वोट बैंक माना है। हम आपको वोट नहीं मानते हैं, हम आपको इंसान मानते हैं। वोट नहीं मानते हैं, हम आपको इंसान मानते हैं। और हर इंसान के दिल के अंदर यदि हम, हमारी तो भगवान के प्रति आस्था है, इसलिए मैं कहूंगा मैं भगवान मानता हूं। मैंने क्या, लेकिन ऐसे हालात इस देश में पैदा कर दिए गए। लेकिन मुझे लगता है जैसे डेस्टिनी की बात कही है हमारे डॉक्टर संजय पासवान जी ने, हमारे डॉक्टर संजय पासवान सचमुच ये भी बहुत ही अच्छे चिंतक, एक से एक हमारी मैंने विभूतियां हैं। डॉक्टर संजय पासवान, हमारे श्री थावरचंद जी गहलोत दलित समाज के, हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, सबसे अपेक्स बॉडी जो होती है। और मैंने देखा कि मूल्यों की राजनीति के प्रति, वैल्यूज की पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, ये वो सीखना हो तो थावरचंद गहलोत से सीखी जा सकती है। कोई सीधी सपाट बात यदि बोलनी हो कहीं निर्भीकता पूर्वक बोल सकते हैं। हमारे बगल में बैठे सत्यनारायण जेठिया, डॉक्टर सत्यनारायण जी जेठिया, आशु कवि, यदि मैं इन्हें अभी कह दूं तो अभी कविता सुनाना शुरू कर देंगे, उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक से एक विद्वान पड़े हुए हमारे यहां पर, डॉक्टर वी एस सोनकर शास्त्री, आप इनकी पुस्तकों को उठाकर पढ़िए, कितना बड़ा योगदान। लेकिन आज हम लोगों के साथ सचमुच उदित राज जी जो जुड़े हैं, तो मुझे तो लगता है कि ईश्वर को कुछ मंजूर अब हो गया है, ये मंजूर हो गया है। और आप ये कहेंगे कि राजनाथ सिंह यह बात क्यों बोल रहे हैं कि ईश्वर को मंजूर हो गया होगा। देखिए, मैंने पहले कहा ना, मैं ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हूं। हमारी सबकी व्यक्तिगत अलग अलग, कोई करता है कोई नहीं करता, हमारी आस्था है। हम संत महात्माओं को भी मैं भी विश्वास करते हैं। संत महात्मा किसी का हो, किसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबका, सबके प्रति हमारे मन के अंदर आदर भाव रहता है। तो कहा था इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि अरविंद ने कहा था, सॉरी मैं भूल रहा हूं, महर्षि अरविंद ने एक बार कहा था कि स्वामी परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, कि स्वामी परमहंस के 175 वर्ष के बाद भारत एक दुनिया का सबसे सशक्त भारत, यानी जो ऐसा भारत जो विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकता है, ऐसे भारत के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यह बात उन्होंने, महर्षि अरविंद ने कही थी, बहुत पहले कही थी। तो अब जब स्वामी परमहंस जी का जन्म देखते हैं, और उसके 185 वर्ष कहा था ना, 175 वर्ष कहा था, 175 वर्ष बाद वो प्रारंभ होगा वह समय, तो उनका जो जन्म हुआ था उसमें 175 जोड़ते हैं तो वह 2012 बनता है। 2012 समाप्त हुआ, 2013 बस समाप्त ही हुआ है, तब तक उदित राज जी टपक पड़े। मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद ने जो कुछ कहा था वो सच कहा था। हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सभी राज्यों से जो आए हुए हैं हमारे इस समाज के नेता, हमारे मित्रों, शायद आप पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए, पहली बार आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए जी। बहुत अच्छा, बहुत बदन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, मैंने कहा कि आप लोग शायद पहली बार आए हैं, क्योंकि मैं जानता था पहली बार आए हैं तो मैं अपना धर्म मानता हूं
और सचमुच मुझे यह सुखद अनुभूति हो रही है कि अब महर्षि अरविंद ने जो कहा था अब सपना साकार होने जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से सभी अपने सभी राज्यों से आए हुए सभी राज्यों से हमारे जो भी यहाँ पर हमारे दलित समाज के नेता, हम आपको केवल दलित समाज का नेता आप नहीं मानते, राष्ट्र का नेता हम आपको मानते हैं, पूरे देश का नेता मानते हैं। आप सब यहाँ आए हैं इसलिए पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और हाँ, नहीं बिल्कुल। और इस समय फिलहाल अभी चुनाव का समय है, दो दो ढाई महीने के बाद जो होना होगा वो सब तो करेंगे ही हम लोग, इसमें भी जो करना होगा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि काम यह अधूरा रह जाएगा। हम अपने उदित राज जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य तो तुरंत मैं मनोनीत करता हूँ। बस यह तो यह तो एक सांकेतिक है, यह तो मैंने सिग्नल दिया है, सिग्नल दिया है। और मित्रों आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी समय के साथ ही चीज़ें होती हैं, सोचते तो हम लोग बहुत पहले से थे कि अब यह होना चाहिए वो होना चाहिए, कैसे यह समाज अपने नज़दीक आए। और एक हमारी संस्था है उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसका कि स्वयंसेवक मैं भी हूँ, यह कहने मुझे कोई हर्ज नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कई ऐसी शाखाएँ बनाई हैं कि हम अपने दलित समाज के लोगों को कैसे पूरे उनका कैसे अधिकतम योगदान राष्ट्र निर्माण में हो सके, उनका उत्थान कैसे हो सके, उन्होंने अलग से बनाई है। मुस्लिम समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर नफरत पैदा करते हैं हमारे मुस्लिम समाज के अंदर, उस मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर के मन के अंदर भी पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए यदि किसी ने अलग से एक संस्था बनाई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाई है। आप हमारे दिल की तड़पन को समझ सकते हैं। जब लोग तरह तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं तो हम लोगों को कितनी बेहद पीड़ा होती होगी। जाति पंथ मजहब ये सब सारी धर्म ये सब सारी बातें तो दूर हैं, हमारी राजनीति का आधार ही इंसाफ और इंसानियत है, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार है। अब इसको बोलना होगा तब ये बोलेंगे जो मुझे करना था कर दिया था। ये जो मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था उसकी बात इन्होंने दिया। तो अभी आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी कि रामदास जी अठावले हमारे महाराष्ट्र के रामदास जी अठावले को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा में भेजा है। मैंने यह संकेत है, इसको मैं परफेक्ट नहीं मानता हूँ कि नहीं जो होना चाहिए एकदम बिल्कुल सब कर डाला है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जी जटिया अभी राज्यसभा में गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हमारे श्री थावरचंद जी गहलोत तो राज्यसभा में हैं ही। नहीं, हमारी सोच हमारी सोच बदली नहीं, हमारी सोच प्रारंभ से ऐसी थी लेकिन हम लोगों के चित्त में यह बात बैठा नहीं पाए थे। अब ऐसे लोग यदि आ गए हमारे पास, उदित राज जी जैसे लोग, और यह सब हमारे जटिया जी, थावरचंद जी गहलोत, डॉक्टर पासवान, डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री, तो अब हमको विश्वास है कि हमारी जो सोच है हम उस सोच का जो एक सही संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहिए, वह संदेश पहुँचाने में हमें पूरी तरह से कामयाबी हासिल होगी, मेरा पूरा विश्वास है। इन्हीं बहुत नहीं करेगा, बिना उसके होगा ही नहीं, बिना उसके होगा ही नहीं, बिल्कुल पक्का है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने देखा लोग समझते हैं भारतीय जनता अरे बड़े लोगों की पार्टी है, ये है वो है, प्लेटफार्म पर चाय बेचने वाले जो पिता का चाय बेचने में सहयोग करता हो, क्या उसको भारतीय जनता पार्टी ने अवसर यह नहीं दिया कि गुजरात की मैं ऐसी सरकार चलाई कि डेवलपमेंट के मामले में गुजरात हिंदुस्तान का एक मॉडल स्टेट बनकर खड़ा हो गया। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री
के एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें पेश किया है। और आप आज देखिए यह कैसा संयोग है, आज सारे जाति पाति मजहब धर्म सब बैरियर टूट गए हैं, सबका समर्थन नरेंद्र मोदी को प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी कल ही हम दोनों लोग पंजाब जा रहे थे, मैं और नरेंद्र भाई दोनों लोग साथ ही प्लेन में गए थे। मैंने चर्चा किया उदित राज जी आने वाले, कहें उदित राज जी आने वाले हैं, आने वाले हैं, आ गए उदित राज जी, बैठे हैं, उनको भी खुशी हुई इस बात की। तो उदित राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बस इसी भाजपा परिवार के आप सदस्य हैं, इसी भाजपा परिवार के आप सदस्य हो गए और आप समझिए अब यहीं रहेंगे जब तक कि भारत हमारा यह महान भारत नहीं बन जाएगा, दुनिया का शक्तिशाली भारत नहीं बन जाएगा। और मैं तो केवल आर्थिक दृष्टि से ही भारत को सशक्त भारत नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहता हूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अपने उदित राज जी का भी स्वागत करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।